हुआ नरकासुर, स्त्रियों का अपमान, उनका हरण उचित नहीं है। इतने बड़े अधर्म का परिणाम इतना ही भयंकर होगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए अभी भी समय है, अपनी भूल सुधारो और इन सभी राजकुमारियों को सम्मान सहित वापस लौटा दो। असंभव है। इससे पहले रावण ने भी यही उदंडता की थी, शुंभ ने भी स्त्रियों का अपमान किया था, उनका भी भयंकर अंत हुआ था, और तुम भी वही भूल दोहरा रहे हो। माँ, मैं ना रावण हूँ ना शुभ निशुंभ, नरकासुर को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। राजा हूँ मैं, ये पद मुझे आपसे या पिताजी से नहीं मिला, ये पद मैंने स्वयं अपनी भक्ति और शक्ति से अर्जित किया है, इसलिए मैं सारे निर्णय भी स्वयं लूंगा। और मेरा निर्णय, अब मैं इन सभी सुंदरियों का पति बनूंगा। सच कहा था स्वामी ने, तुम वो पुत्र नहीं हो जिसे मैंने बड़ा किया था। इसकी दुष्टता की तो कोई सीमा ही नहीं। पहले माता कामाख्या का आशीर्वाद खोया इसने, और अब अपनी माता का निरंतर अपमान कर उनके आशीर्वाद से भी वंचित हो गया। पुत्रगण, जिसके साथ अपनी माँ का आशीर्वाद हो वो किसी भी संकट से उभर सकता है, किंतु यदि वो आशीर्वाद खो दे तो एक छोटी सी विपदा भी उसके विनाश का कारण बन सकती है, और नरकासुर तो बहुत बड़ी भूल करने वाला है। इन्हें रानी निवास में बंदी बनाओ, और राक्षसी सेविकाओं से कहो कि इन सबको मुझसे विवाह करने के लिए तैयार करें, और यदि समझाने पर भी कोई अस्वीकार करे तो उसे ऐसा मृत्यु दंड दो कि अन्य सभी मेरे प्रस्ताव को नकारने का साहस न कर सके। जो आज्ञा महाराज। इतना दुस्साहस भला कोई कैसे कर सकता है। प्रभु, इसे रोकने के लिए आपको ही कुछ करना होगा। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं अभी जाकर इन सभी राजकुमारियों को मुक्त करूँगा। पुत्र गणेश, इनकी रक्षा प्रभु श्री कृष्ण ही करेंगे, किंतु मैं इन 16,100 राजकुमारियों को संकट में देखकर कैसे रुक सकता हूँ। वहाँ तो उन्हें राक्षसियों की प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ रहा होगा। तो जाओ गणेश, जाकर तुम उनकी पीड़ा और भय को दूर करो। माँ, मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उनकी सहायता मैं कैसे करूँ। वैसे ही जैसे तुमने पुष्पदंत जी की सहायता की थी। दे रही हूँ, बात मान लो, अन्यथा तुम्हें तुम्हारी मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। मृत्यु स्वीकार है, इस दुष्ट असुर से विवाह नहीं। हाँ हाँ, नहीं करेंगे विवाह। लगता है महाराज की आज्ञा अनुसार इन सबको सबक सिखाना ही होगा। चाबुक हवा में कैसे रुक गया? जिसने भी ये दुस्साहस किया है वो अब नहीं बचेगा। जो भी हो, सामने आकर हमारा सामना करो। सिंदूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लंबोदरं।
श्री गणेश यहाँ पधारे हैं। संभव है वो मेरी सहायता करने के लिए ही आए होंगे। प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, ले चलिए हमें यहाँ से। ये असुर हम पर अत्याचार कर रहा है, हमारा वध भी कर सकता है। हमें बचा लीजिए प्रभु, हमें बचा लीजिए। भय के कारण ही हमारे प्राण जाने वाले थे प्रभु। तो क्या मेरी स्तुति करते समय भी आप नहीं प्रभु? तब क्या था आपके मन में? भक्ति प्रभु। एकमात्र भक्ति का भाव था मन में। भक्ति की शक्ति अपार है, जिससे कोई पार नहीं पा सकता। प्रभु हम तो आजीवन आपकी भक्ति करेंगे, परंतु इस दुष्ट असुर से हमारे जीवन को सुरक्षित करने की कृपा कीजिए प्रभु। मेरी नहीं, आप सभी प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए। श्री हरि नारायण के पूर्ण अवतार प्रभु श्री कृष्ण ही आपको मुक्ति देंगे। विधि के विधान के अनुसार प्रभु श्री कृष्ण और उनकी पत्नी देवी सत्यभामा के हाथों ही इस दुष्ट का अंत नियत है। नहीं, मैं मेरे पुत्र को नहीं खो सकती, मुझे कुछ करना होगा। आप सभी इसी पल से प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति आरम्भ कीजिए। क्या हो स्वामी, आपका ध्यान कहीं और है क्या? नहीं नहीं, मुझसे छिपाइए मत स्वामी, मैं जानती हूँ आपका ध्यान कहाँ है। कहाँ? यहाँ होते हुए भी आपका मन रुक्मणी दीदी के पास ही है ना? नहीं प्रिय, ऐसा नहीं है, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्यों नहीं सोचना चाहिए स्वामी? मुझे तो यही सत्य लगता है, आपने एक साधारण स्त्री को अपनी पत्नी का स्थान अवश्य दिया है, किंतु स्नेह आप रुक्मणी देवी से ही करते हैं। मैं अपने स्नेह को अधिक और कम में बांटता हूँ, ऐसा आपको क्यों लगता है? क्यों, भूल गए वो तराजू वाली घटना, जब मैंने तो उस पर अपना सब कुछ रख दिया था, अपना संचित धन, अपने आभूषण, फिर भी मेरा पलड़ा आपके पलड़े से भारी नहीं हुआ। फिर रुक्मणी देवी आई और एक तुलसी का पत्ता लाई और उनका पलड़ा आपसे भारी हो गया। मैं तो तभी समझ गई थी कि आप सर्वाधिक प्रेम रुक्मणी देवी को करते हैं। स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा पाँव आपको लग गया। प्रिय, इसके लिए क्षमा मांगने की क्या आवश्यकता है? मैं भी किससे तुलना करने लगी भला, कहाँ देवी लक्ष्मी का अवतार और कहाँ मैं, एक साधारण स्त्री, और अब अनजाने में मैं ये भूल भी कर गई।
शीघ्र जगत कल्याण के एक महत्वपूर्ण कार्य में हम दोनों सहभागी होंगे। माँ स्वप्न में भी अपनी संतान का भला ही चाहती है पुत्र। अपने अशुभ को शुभ में बदलना अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। अभी भी समय है पुत्र, अपने कर्मों को सुधार लो तो तुम्हारा अहित रुक सकता है। आप क्या ये कह रही हैं माँ कि जो गणेश जी ने कहा वो सत्य है? हाँ पुत्र। नरकासुर की माँ को ऐसे भयभीत होना शोभा नहीं देता। सत्य तो यह है कि सभी देवता मेरे अधीन हैं। गणेश जी तो पहले भी आए थे और देवताओं को मुक्त नहीं करा सके, और अब भी आए हैं तो राजकुमारियों को मुक्त कराने में असफल ही रहे। बस वो आते जाते रहते हैं और कुछ नहीं। मूर्ख मत बनो पुत्र, विघ्न हरता है वो, उनकी शक्ति उनकी महिमा को पहचानो। उनकी शक्ति के आगे तो सबको नतमस्तक होना पड़ता है। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के आरंभ से पहले सभी देवी देवता उनका पूजन करते हैं, किंतु उनकी ऐसी महानता है कि देवों के देव महादेव ने त्रिपुर का नाश करने के पहले उनकी पूजा की थी। चुंबन शुंग हो या महिषासुर, ऐसे बलशाली असुरों का वध करने के लिए माँ दुर्गा के सहायक बने थे पार्वती नंदन गणेश जी। जहाँ पाप का प्रकोप संसार में विघ्न उत्पन्न करता है उसका नाश करने के लिए गणेश जी सदा तत्पर रहते हैं। तो अब आपने पुत्र की तुलना माँ पापियों से कर रही हैं? नहीं पुत्र, मैं तो बस अपने पुत्र को समझा रही हूँ कि वो गणेश जी की शक्तियों को समझे और धर्म का पथ छोड़ धर्म के पथ पर लौट आए और अपने विनाश को रोक ले। क्योंकि यदि गणेश जी ने कहा है कि श्री कृष्ण यहाँ तुम्हारा अंत करने आएंगे तो ऐसा अवश्य होगा। और अब तो तुम माता कामाख्या के आशीर्वाद के सुरक्षा कवच से भी वंचित हो चुके हो। सत्य सत्य क्या आपने, मैं उनकी शक्तियों का कवच तो खो चुका हूं, किंतु अब भी मेरे पास अति शक्तिशाली भयंकर असुर योद्धा है जो किसी भी संकट के आने पे मेरे सामने खड़े हो जाएंगे। इसलिए यदि श्री कृष्ण को आना है तो आए, नरकासुरों का सामना करने के लिए तैयार है। नरकासुरों का सामना करने के लिए तैयार है। मूरा उपस्थित है महाराज, आदेश दीजिए। मुझे सिर्फ तुम्हारी नहीं तुम्हारे पुत्रों की भी आवश्यकता होगी। आम्रा, अंतरिक्ष, शार्वन, विभावसु, वासु, नाभस्वान, अरुण, मेरे पराक्रमी योद्धाओं, पराग ज्योतिषपुर की सुरक्षा का भार मैं तुम्हें सौंपता हूं। सेना एकत्र करो और किसी को भी हमारे नगर में प्रवेश मत करने दो। आप चिंता मत कीजिए महाराज, नारायण और उनके अवतारों से तो हमारी जन्म जन्मांतर की शत्रुता है, हम उन्हें यहाँ नहीं आने देंगे। किंतु महाराज, यदि महादेव और उनके गण भी श्री कृष्ण की सेना का भाग बने तो उन्हें रोकना हमारे लिए और भी कठिन हो जाएगा। निश्चिंत रहो, मैं महादेव और उनके गणों के लिए अलग योजना रच चुका हूँ। मित्र बारासुर को मैं ये दायित्व सौंप चुका हूँ, बस अब उसे ही शीघ्रता करनी होगी।
मैं जानता हूँ प्रभु, आपको अभिषेक कितना प्रिय है। मेरी यही इच्छा है, जब तक मेरा तप होता रहे तब तक आपका भी अभिषेक होता रहे। हर हर महादेव। माता कामाख्या ने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि अब मुझे क्या करना है, तो क्या करूं? उनके निर्देश की प्रतीक्षा करना उचित होगा क्या? नहीं, समय व्यर्थ किए बिना माता कामाख्या की पूजा करनी चाहिए, तो वो स्वयं मुझे संकेत दे देंगी। छा रहा है और प्रभु न जाने किस ध्यान में खोए हैं। प्रभु सुनिए ना, प्रभु किसके ध्यान में खोए हैं? प्रभु प्रभु समाचार अच्छा नहीं है। मूषक जी, बुरा समाचार लाने का अभ्यास बना लिया है आपने। आपको भी किसी के ध्यान में खो जाने का अभ्यास हो रहा है? अब समझा, पता चल गया मुझे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैलाश में ये कैसा धूम रहे मूषक जी? इसी की सूचना देने तो आया था आपको, किसी की घोर तपस्या का प्रभाव है ये। बाणासुर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
नरकासुर के कहने पर उसने अपनी तपस्या बढ़ा दी होगी। अब आप ही कोई संकेत दीजिए माता कि मुझे क्या करना चाहिए। माँ आप इस रूप में बिच्छू। माँ ने माता काली स्वरूप लिया है, अर्थात कुछ भयंकर होने वाला है। मुझे पिताश्री को बताना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पिताश्री, माँ माता काली स्वरूप में क्यों? पिताश्री अंतर्ध्यान क्यों हो गए? पुत्र बाणासुर कल्याण। बिच्छू। क्या वरदान चाहते हो बाणासुर? प्रभु, मैं आपसे वो वरदान मांगूंगा जो अमृतत्व से भी कहीं अधिक होगा। जो भी तुम मांगना चाहते हो मांग लो बाणासुर। प्रभु, मैं आपसे आपको और आपके समस्त गणों को मांगता हूँ। मैं आपसे आपको और आपके समस्त गणों को मांगता हूँ। जब तक मैं आपको जाने के लिए ना कहूं, तब तक आप और आपके समस्त गण, गणेश जी भी मेरे नगर में विराजमान होंगे। धर्म और नीति के विरुद्ध नहीं है जो तुमने मांगा है, इसलिए तुम्हारा वरदान फलित होगा। तथास्तु। भक्ति का अनुचित लाभ उठाया है तुमने बाणासुर, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम की चिंता आप मुझ पर छोड़िए गणेश जी। नरकासुर ने मुझसे मित्रता निभाई तो अब मैं उसका साथ दे रहा हूँ। अब आप सब यहीं रहिए जब तक मैं ना जाने दूं, और वही करिए जो मैं कहूं। महाराज, आपके मित्र बाणासुर की तपस्या पूर्ण हुई। महादेव से मनचाहा वरदान पा लिया उन्होंने। मैंने कहा था ना मां, नरकासुर हूं मैं, और मुझे पता है मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूं। क्या महादेव और उनके गण मेरे साथ हैं तो नारायण के अवतार श्री कृष्ण मेरा क्या बिगाड़ सकेंगे। जाओ, जाकर बता दो सभी राजकुमारियों को उनके पास मेरे से विवाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब कोई कृष्ण उन्हें बचाने नहीं आएंगे। आइए प्रभु, अब मुझे मेरे नगर शोणितपुर में आपका स्वागत करने का अवसर दीजिए। तुम्हारी अपार भक्ति ने तुम्हें वरदान का अधिकारी तो बना दिया वत्स, किंतु गणेश गणों के ईश हैं, मेरे सभी गणों के मुखिया हैं, इसलिए उनके बिना यहां से कोई जाने वाला नहीं। तुम्हें गणेश को निमंत्रण देना ही होगा, अन्यथा हम सब भी यहीं रुकेंगे। हे प्रथम पूज्य, हे श्री गणेश, मैं बाणासुर हृदय से आपको मेरे राजभवन में वास करने का निमंत्रण देता हूं। हे गजानन, हे महादेव पुत्र पार्वती नंदन, मेरे साथ चलने की कृपा कीजिए।
प्रभु आप मेरा अनुरोध स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? अपने वरदान के अधिकार को प्रयोग करने पर मुझे विवश क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ गजानन? किस संकोच में हैं आप? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। मैं महादेव का परम भक्त, अपने नगर में अपने आराध्य की सेवा में लीन होना चाहता हूं, सदा उनके दर्शन का सुख पाना चाहता हूं। भला इसमें क्या बुराई है? भक्ति का अर्थ पता भी है तुम्हें? भज अर्थात भजना। ईश्वर के नाम को भजना ही भक्ति है, ना कि उन्हें बंदी बनाना। भक्ति के महान बंधन में बंधना तो भक्त और भगवान दोनों को प्रिय होता है गजानन। हम भी उसी बंधन में बंधे हैं, केवल आपको हमारा प्रेम नहीं दिख रहा, इसलिए आप विघ्न डाल रहे हैं। विघ्न नहीं डाल रहा हूँ। तुम पिता श्री प्रभु महादेव के भक्त हो, इसलिए तुम अपने आचरण से जो विघ्न अपने जीवन में उत्पन्न कर रहे हो, मैं उनसे तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। कैलाश महादेव की छत्र छाया से दूर हो, शिव शक्ति से विलग हो, इसका भयंकर परिणाम होगा जिससे तुम कदापि अछूते नहीं रहोगे। अभी भी समय है, अपने वरदान और वचन से मुक्त कर दो इन्हें। ये आप क्या कह रहे हैं गणेश जी? भगवान प्रसाद दे तो भक्त भला उसे कैसे लौटा सकता है? नहीं नहीं, ये दुस्साहस मैं नहीं कर सकता। गणेश, जैसे शाप देकर उसे लौटाए नहीं जा सकता, वैसे ही वरदान देकर उससे पीछे नहीं हटा जा सकता। गजानन, जब महादेव पीछे नहीं हट सकते तो आप क्यों हट रहे हैं? उनके वरदान की मर्यादा रखिए और चलिए मेरे साथ, अद्भुत स्वागत करूंगा आपका। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो तुम बाणासुर। ज्वालामुख के ऊपर बैठकर कोई आनंद की कामना नहीं, अपितु स्वयं को भस्म करने का प्रयास करता है। एक भक्त से उसके वरदान का सुख कैसे छीन सकते हैं आप? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। मेरी पत्नी और पुत्री उषा, उनको जब पता चलेगा कि उनके आराध्य श्री गणेश पधार रहे हैं, वो आपका भव्य स्वागत करेंगे। अनुरोध बहुत हुआ, अब मांग करता हूँ। प्रथम पूज्य हैं आप, गणाधीश भी हैं। आपका कर्तव्य है आपके पिता, आपके और मेरे प्रभु महादेव के वरदान का मान रखना, इसलिए आपको तो शोणितपुर आना ही होगा। गणेश जी, प्रभु मैं बाणासुर की पुत्री, आपकी नियमित पूजा, आपका चतुर्थी व्रत, मैं इसी इच्छा से करती आ रही हूँ कि मुझे आपके साक्षात दर्शन प्राप्त होंगे। मैं जानती हूँ प्रभु, ये असुरों की राजधानी है और मैंने असुर वंश में जन्म लिया है। मैं फिर भी आपकी भक्त हूँ, इसलिए मुझे विश्वास है आपके दर्शन का सौभाग्य मुझे अवश्य मिलेगा। आप यहाँ अवश्य आएंगे प्रभु। माँ, प्रभु गणेश जी आएंगे ना, मुझे दर्शन देंगे ना? मैं ये जानती हूँ पुत्री, प्रभु श्री गणेश जी अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। एक ओर ये अहंकारी पिता है जिसके जिह्वा से दंभ भरे शब्द ही निकलते हैं, और दूसरी ओर है इसकी पुत्री जो भक्ति भाव में डूबी है, जिसकी सादगी और भक्ति मुझे प्रभावित कर रही है। इसलिए बाणासुर के दबाव में नहीं बल्कि अपनी भक्त उषा की भक्ति के प्रभाव में मैं शोणितपुर जाऊंगा। सोच क्या रहे हैं गणेश जी? अपने पिता के वरदान का मान रखेंगे आप, या अपने अभिमान में उसे नकार देंगे? मेरे पुत्र का अपमान कर ये दुष्ट अपने पापों का घड़ा भर रहा है।
आवहन न जानमी न जानमी विसर्जन पूजा चेव न जानमी समक्ष व परमेश्वर मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन जनादरन यत पूजित मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। प्रभु ना मुझे आपका आवाहन करना आता है ना विधा करना और ना ही ठीक से पूजा करना। मेरी मंत्रहीन भक्तिहीन पूजा को स्वीकार कीजिए। जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें प्रभु। मैं तुम्हारे साथ शोणितपुर आने के लिए तैयार हूँ। आना तो आपको था ही गणेश जी, आइए आपका स्वागत है। हम चलेंगे अवश्य बाणासुर, किंतु पहले ये बताओ तुम हमें ले कैसे जाओगे? ये कैसा प्रश्न है गणेश जी? बाणासुर अपने प्रभु को तनिक भी कष्ट नहीं होने देगा। प्रभु आप चलेंगे ना? मैं वरदान दे चुका। तुम मेरा प्रश्न नहीं समझे बाणासुर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम हमें बंदी बनाकर ले जाना चाहते हो या अतिथि बनाकर? ये आप क्या कह रहे हैं गणेश जी? प्रभु को भला कौन बंदी बना सकता? आप सभी मेरे अतिथि हैं और वैसे ही मैं स्वागत सत्कार भी करूंगा। आपको कोई कमी नहीं होने दूंगा, किंतु वरदान के अनुसार जब तक मैं आपको जाने के लिए ना कहूं आप मुझे अपनी सेवा करने देंगे? मुझे ज्ञात है तुम्हारा वरदान, किंतु तुम भी स्मरण रखना हम तुम्हारे अतिथि होंगे, बंदी नहीं। बाणासुर जो कह देता है गणेश जी उस पर सदा स्थिर रहता है। आइए प्रभु आइए। महारानी जी, महाराज बाणासुर का संदेश आया है। वो महादेव और उनके गणों के साथ पधार रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप उनके भव्य स्वागत की तैयारियां कीजिए। माँ, महादेव अपने सब गणों के साथ आ रहे हैं। अर्थात प्रभु श्री गणेश ने तुम्हारी विनती स्वीकार ली पुत्री, वो भी अवश्य आ रहे होंगे। आइए प्रभु आइए। प्रभु यह मेरी पुत्री उषा और यह है मेरी पत्नी जो बड़ी उत्सुकता से आपके स्वागत की प्रतीक्षा कर रही है। पुत्री सर्वप्रथम महादेव जी का स्वागत करो, फिर उनके गणों का स्वागत करना। किंतु पिताजी गणेश जी तो प्रथम पूज्य हैं। किंतु सर्वोच्च तो महादेव ही है ना, और गणेश जी भी यही चाहेंगे कि उनके पिता का स्वागत सर्वप्रथम हो।